हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खूब होंगे, लाइफ में पूरे मजे कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त सुमित सेठी, आज फिर नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल में अभी अभी आए हैं, नए नए हैं, ताजे ताजे हैं, तो भाई अभी अभी सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकन को जरूर हिट करो, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आ रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, माइंडसेट, मोटिवेशन, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। तो अगर मेरे प्यारे भाई बहनों कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इस घंटी को जरूर टन करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पेड ट्रैफिक सोर्सेज कौन कौन से हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे जिक्र किया था कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए फ्री ट्रैफिक सोर्सेज कौन कौन से हैं, और एक वीडियो और तैयार की थी कि भाई पेड जरूरी है कि फ्री जरूरी है, तो जिसमें जिक्र किया गया था दोनों ही जरूरी है। हमें तो कस्टमर चाहिए, ग्राहक चाहिए, चाहे वो पैसे दे के आए चाहे वो फ्री में आ जाए, क्यों? तो आज हम चर्चा करेंगे पेड ट्रैफिक सोर्सेज। सी, ये जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है, बहुत पैसा लगाया, लाखों रुपए लगा दिए हैं, अगर उस दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई आपका उसको पता ही नहीं है कि भी यहाँ कोई दुकान खुली हुई है, इतना आपने आलीशान दुकान सजा रखी है, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो माल कैसे बिकेगा भाई? वो दुकान खंडर बंद हो जाएगी डेफिनेटली। तो हमें ट्रैफिक चाहिए, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी ट्रैफिक चाहिए, बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, ढेरों ट्रैफिक चाहिए, लाखों करोड़ों कमाने हैं भाई, बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े ड्रीम है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, पैसिव इनकम चाहिए, तो ट्रैफिक तो चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि ट्रैफिक कहां कहां से आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया एड्स। पहले फोकस करते हैं सोशल मीडिया एड्स पे। आप फेसबुक पे पेड कर सकते हो, टारगेट कस्टमर डेमोग्राफिक से हिसाब से किस एज ग्रुप को फोकस करना है, मेल को फोकस करना है, फीमेल को फोकस करना है, तो वहां पे सारा चिट्ठा पता दिया होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी डेमोग्राफिक उठा के जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कि ये एज ग्रुप चाहिए, ये कंट्री चाहिए, ये सिटी चाहिए, तो ये कम्युनिटी चाहिए, तो आप वहां पे अपनी फेसबुक ऐड चला दीजिए। बट देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फेसबुक ऐड में चाहिए क्या। आपको वेबसाइट प्रमोट करनी है, आपको अपनी वीडियोस प्रमोट करनी है, आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करना है, आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, क्या करना है, उसको कहां तक लेके आना है, लैंडिंग पेज पे लेके आना है। देखिए फेसबुक में कभी भी आप अपना एफिलिएट लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं कर सकते, आपको लैंडिंग पेज चाहिए, आपको एक होम पेज चाहिए, तो उस पर बाद चर्चा करेंगे। पर आज मैं कुछ सोर्सेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ट्विटर ऐड भी कर सकते हो। देखिए फेसबुक की मार्केट डिफरेंट है, ट्विटर की मार्केट डिफरेंट है। ट्विटर पे ज्यादातर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं, मीन द सेंस कि वहां पे डायरेक्टली तो हम कुछ प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई एड्स लाना चाहे अपने बिजनेस रिगार्डिंग चला दीजिए, मगर आपको अपना ट्रैफिक लाना पड़ेगा कहां पे, अगेन वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसको मैं आपको बताया था कि वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। देखिए आपको जमीन चाहिए ना बाहर बिजनेस करने के लिए, तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको जमीन चाहिए, वो क्या है, आपकी वेबसाइट है। तो ये जो ट्रैफिक है कहां पे लैंड होगा, आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा। ये देखिए ट्रैफिक आ रहा है और ये आपका प्रोडक्ट है भाई, यहां से पहुंचने से पहले इसको आपको आप तक इसको लैंड होना पड़ेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पे इसको लैंड होना पड़ेगा। तो आप ट्विटर ऐड चला सकते हैं, YouTube ऐड आप वो कर सकती हूँ, अपनी वीडियोस बना के प्रमोट करो, चाहे वो एनिमेटेड वीडियोस है, चाहे वो फेस टू फेस वीडियोस है, जो भी आपका बिजनेस है, आप कोई कोर्स प्रमोट करना चाहते हो तो YouTube के थ्रू ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका ये भी, जब आप फेस टू फेस ऐड करते हो तो भाई कस्टमर आपका ज्यादा इंप्रेस होता है, आप पे ज्यादा वो भरोसा करता है। ओके, LinkedIn ऐड्स भाई इसका ट्रैफिक टोटली डिफरेंट है। LinkedIn में देखिए ये ऐड्स कुछ कॉस्टली है, बट यहाँ पे आपको क्वालिटी ट्रैफिक मिलता है, यहाँ पे आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलते हैं। बट आपको ये मद्देनजर रखना है कि भाई लिंक्डइन पे आप वेट लॉस की अगर ऐड करेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लिंक्डइन में प्रोफेशनल्स हैं, देखिए आजकल सारी इंडस्ट्री ऑनलाइन हो रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स के हिसाब से सॉरी इन द सेंस की कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि सारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं, तो उनको ग्रोथ के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर आपने ऐड की उनके सामने आ गया तो भी आपको प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। तो एक चीज खास ख्याल रखना कि आप जो भी बेच रहे हैं, देखिए ट्विटर पे जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट है, यूट्यूब पे डिफरेंट है, फेसबुक पे डिफरेंट है, लिंक्डइन पे डिफरेंट है, और इंस्टाग्राम पे टोटली डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम देखिए कि फॉलोअर्स किस चीज के हैं, लोग किसके ज्यादा दीवाने बन रहे हैं, और लोग किस चीज को, यानी कि वहां पे अगर आप देखे जाए तो हेल्थ एंड फिटनेस इंस्टाग्राम पे बहुत तेजी से बूम कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ एंड फिटनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स है
तो भाई इंस्टाग्राम की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे फोटोज पड़ती हैं, वीडियोस का कम है पर ज्यादा फोटोज का होता है। अगर आप कोई वीडियो एड करना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल आपके पास कोर्सेज है, बुक्स है, कोई एजुकेशनल कोर्सेज है, तो यहाँ पे चल सकते हैं। बट आपको ये मायने में रखना कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, क्या वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खरा उतरेगा, ये आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कोई बिठाया और उसकी ऐड कर दी, फिर आप कहते हो कि भाई कस्टमर नहीं आ रहा। ठीक है, टारगेट मार्केट चाहिए, टारगेट ग्रुप चाहिए। तो आपको टारगेट कस्टमर ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को टटोलो, भाई इस प्रोडक्ट का ग्राहक कहां पे मिलेगा। ओके, अगर आपको सेब चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि मीट बाजार में जाओगे, नहीं, सेब चाहिए तो फ्रूट्स की मार्केट में जाओगे, सब्जी चाहिए तो सब्जी की मार्केट में जाओगे। ओके, सो ये चीज है, ये चीज आपको ख्याल रखनी है। पिंटरेस्ट ऐड, अब ये देखिए, फिर ये यहां पे लग है, पिंटरेस्ट पे 80% महिलाएं हैं, 80% वुमेन्स है। अगर आप वहां पे कोई मेन प्रोडक्ट बेचोगे, भाई कोई ग्रूमिंग का प्रोडक्ट बेचोगे तो नहीं बिकेगा। आपको यहाँ पे अगर फीमेल्स के रिलेटेड, जैसे कि वेट लॉस है, बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पे, और आपका कोई मेकअप के रिगार्डिंग प्रोडक्ट है तो भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको मार्केट समझ के उस हिसाब से अपनी एड का कैंपेन चलाना है सोशल मीडिया के ऊपर। ये चीज अपने माइंड में, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं और बाद में ठंड ठंड पार हो जाते हैं। क्यों? ये नहीं पता होता कि टारगेट कस्टमर कौन सा है, टारगेट कम्युनिटी कौन सी है, और कहां पे किस चीज का ज्यादा रुझान, किस चीज का लोग किस चीज को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। ओके, सो आगे पेपर क्लिक, ये सबसे बड़ा सोर्स है, और सबसे बढ़िया सोर्स है गूगल एड्स और बिंग एड्स। गूगल एड पे आप अपना कैंपेन चलाइए, भाई बहुत बढ़िया चीज है। पेपर क्लिक के हिसाब से चलाइए, आप वहां पे अपनी एड डिस्प्ले कीजिए। जो भी इसका सिस्टम है, फंक्शन है, वो और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये है कि एड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब पेपर क्लिक में गूगल एड्स पे जाइए, बिंग एड्स पे जाइए, यहाँ को टारगेट ट्रैफिक मिलेगा, टारगेट कस्टमर मिलेगा, और यहाँ पे आपके जो सेल होने के चांसेस है कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी जो एड है वो आपको कई गुना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देती है, यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो वर्थफुल है। So, Google Ads और Bing Ads, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। ओके, इनके ऊपर भी अलग अलग वीडियो तैयार होगी, जल्दी होगी। जो भी आपको चाहिए मैं सब कुछ आपके सामने पेश करूंगा, मगर आज की वीडियो में बस पेड ट्रैफिक सोर्सेज की बात करेंगे, मोटी मोटी बात करेंगे। ओके, सो ईमेल मार्केटिंग, ये बहुत अच्छे तरीका, ये भी सोलो एड्स आप परचेज कर सकते हो, ईमेल लिस्ट आप लेके वहां पे मार्केटिंग कर सकते हो। देखिए, एक तो भी आप सोलो एड्स परचेज कर सकते हो, पर इसमें बड़ा जोन मोल है, इसमें बड़ा आप एक अच्छा, यू नो, जो आपको सोलो एड्स दे रहा है, ठीक है, वो मर्चेंट आपको अच्छा चाहिए। ये ना हो कि वो भी लिस्ट किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, वही किसी और को दे रहा है, तो उससे क्या होगा, जोलमोल हो जाएगा। पर मैं सोलो एड्स आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोगों की ईमेल कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपका लैंडिंग पेज है, आपके पास सेल्स फनल है, तो लोगों की ईमेल कैप्चर कीजिए, क्योंकि लोग जो आपके पास आए हैं वो कुछ सोच के आए हैं। उनका टारगेट क्या है कि भाई ये कस्टमर, ये जो आप उनकी ईमेल आईडी कैप्चर करोगे ना, तो आप उनको कुछ लालच दिखा के करोगे, भाई आपको मैं ये चीज शो कर रहा हूं, अगर आपको ये चीज चाहिए तो पहले ईमेल दो। तो वो जो कस्टमर है, वो टारगेट कस्टमर है, वो कस्टमर कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं ये चीज परचेज करूं। तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो भाई ईमेल मार्केटिंग से बढ़िया कोई चीज नहीं है। मैंने पहले बोला था कि ऑनलाइन बिजनेस में आप फेस टू फेस तो फॉलो अप कर नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू फॉलो अप करना पड़ेगा। देखिए, बाहर की दुनिया में क्या होता है, कोई सेल्समैन आता है आपके घर, आया आपको कोई प्लान देके गया, तो क्या करेगा, फोन पे फॉलो अप करेगा, आपके घर आके फॉलो अप करेगा। मगर ऑनलाइन बिजनेस में हमें ईमेल के थ्रू फॉलो अप करना होता है। तो आप सोलो एड्स परचेज कर सकते हैं, मगर आपका जो मर्चेंट है वो बहुत बढ़िया चाहिए और भरोसे वाला चाहिए। आप उद्यमी में जाके, उद्यमी जो वेबसाइट है वहां पे जाके अच्छा मर्चेंट चूज कीजिए और उसके रिव्यूज पढ़िए। ओके, और रिव्यूज के साथ उसके एड परचेज करिए, देखिए उसका जो कन्वर्जन रेट कैसा है, कितना अच्छा है, तो उसके ऊपर एक वीडियो हम अलग से तैयार करेंगे। तो डिस्प्ले बैनर एड्स आप कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप देखते ना, कोई वेबसाइट खोलते हो तो साइड पे बैनर्स लगे होते हैं, तो जब कोई कस्टमर, कोई भी आदमी, कोई रीडर है, कोई ब्लॉग है, वहां पे आके स्टडी करता है, तो उसके रिगार्डिंग वहां पे डिस्प्लेज लगे होते हैं साइड पे, तो लोग वहां पे क्लिक करते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आप डिस्प्ले और बैनर एड्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा जरिया है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप ये देखिए, ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो दबदबा है वो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा है। आप देखिए, इंस्टाग्राम पे लोगों की बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स है, लोग अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं, और क्या करते हैं, वो
अपने फॉलोवर्स को लगातार बढ़ाते हैं। अगर आप उनसे कोई अपना प्रोडक्ट सेल करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो ये चीज भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। देखिए ये तो मार्केट है, यहाँ पे तो जेब से पैसा लगेगा। अगर आपने सोचा कि मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है तो यहाँ पे जेब से पैसा देना पड़ेगा, मगर आपको विद एक्सपीरियंस पता लगेगा कि इनमें से कौन सी ऐड आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। पर सबसे बढ़िया जो मेरा तजुर्बा है वो इस सर्कल का है, ये जो सर्कल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सर्कल सबसे बढ़िया सर्कल है। अगर आप इसमें फोकस करते हो तो आपको भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा गूगल ऐड पे, बिग एड्स पे। गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है, बिग थोड़ा छोटा है, पर आपको जो कस्टमर्स है यहाँ पे बिग पे भी क्वालिटी के मिलेंगे, क्योंकि बिग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है। ओके, तो बिग पर अगर एड्स है तो वो याहू पे भी डिस्प्ले होंगी, वो भी अंडर माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखते हुए 2019 की तैयारी करनी है, कमर कस लेनी है, पेटी बंद लेनी कमर दी, कि मुझे अब फोकस करना है कि भाई देखिए आपका जो बजट कुछ भी है, अगर आपके पास 1000 रुपए का बजट है तो मैं ये कहता हूं कि भाई 200 रुपए 300 रुपए अलग अलग जगह पे लगा के देखो, देखो कहां पे ज्यादा काम करता है। 1000 रुपए की एग्जांपल है, मगर आपको कुछ ज्यादा बजट चाहिए इन पे फोकस करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है, एड के सोर्सेज बहुत सारे हैं, बट आपको मैं ये कुछ मेन चीजें बताई है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, सो ये था आज का वीडियो। मगर और अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग, रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर मैंने वीडियोस बनाई है, वो प्रोडक्ट है बिल्डर ऑल। क्योंकि आपको ऑनलाइन सक्सेस के लिए क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, आपको सेल्स फनल चाहिए, ईमेल ऑटोरिस्पोंडर चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो सारा बिल्डर ऑल आपको साथ में दे रहा है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो आप वो लिंक जाके देखिए और उस एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए और मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। सो ये था आज का वीडियो, मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियोज में, तब तक के लिए हैव ग्रेट फंटास्टिक एंड एनर्जेटिक डे।